सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, जैसे कि मैंने वादा किया था कि आप लोगों के सामने मैं लेके आने वाला हूं एंटोनिम सिनोनिम्स की एक प्रॉपर सीरीज। तो ये है आपका सिनोनिम पार्ट वन। अभी इसके बाद एंटोनिम पार्ट टू भी आने वाला है, फिर सिनोनिम पार्ट टू भी आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स। ये 50 सिनोनिम्स है जो आपके किसी भी टाइप के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अच्छा उससे पहले मेरा नाम राहुल द्विवेदी है। मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने एमए बीएड बीए कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी। मैं एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशन स्पीकर हूँ, और बस मुझे 5,000 पढ़ने का एक्सपीरियंस है। और आई एम अ टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। आई लव के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स? तो सबसे पहला वर्ड है, इट इज लैकेनिक। दैट इज नॉट लैकोनिक, दैट इज लैकेनिक। लैकेनिक इन द सेंस, जब कोई चीज छोटी हो जाती है, संक्षिप्त, ठीक है, छोटा होना, उसे बोलते हैं लैकेनिक। नेक्स्ट एक्यूरेट, आप सब लोगों को पता है एक्यूरेट मतलब क्या होता है, जब कोई चीज बिल्कुल सही हो, प्रिसाइज हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो। नेक्स्ट सॉलिटरी इन द सेंस अकेला, सिंगुलर, अलोन, ठीक है, एकांतवास, अकेला अकेला, शुद्ध। लैकोनिक इन द सेंस छोटा, संक्षिप्त, ठीक है जी। नेक्स्ट एंग्विश, एंग्विश इन द सेंस दर्द, पीड़ा, दर्द, एंग्विश, ठीक है। एगोनी मतलब भी दर्द होता है। उसके बाद एक, हेडेक, ठीक है, स्टमक, हेडेक मतलब भी दर्द होता है, और सोरो मतलब भी पीड़ा होती है। तो एगोनिश इन द सेंस एंग्विश, सॉरी एगोनिश कह रहा हूं, एगोनी तो ये है, एंग्विश मींस पीड़ा, दर्द। नेक्स्ट कैंटेंग्रस। अब कैंटेंग्रस का मतलब क्या होता है? कैंटेंग्रस का मतलब होता है झगड़ालू। क्वेलसम, क्वेलसम मतलब भी झगड़ालू, तैयार रखना, क्वेलसम इन द सेंस झगड़ालू, ठीक है, रेपेल, क्वेलसम, ठीक है। और उसके बाद कैंटेंग्रस इन द सेंस का भी झगड़ालू होता है, लड़ने वाला बहुत ज्यादा। नेक्स्ट एक्यूरेट, हमने बताया था अभी, शुद्ध, प्रिसाइज, बिल्कुल शुद्ध, एक्यूरेट होना। नेक्स्ट अब यह है कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी इन द सेंस क्लैमिटी, ट्रेजेडी, डिजास्टर, इन तीनों का मतलब क्या हुआ? इन तीनों का मतलब हुआ भैया आपके साथ कुछ अनहोनी होना, कुछ जो है आपदा आना, ठीक है। तो एक वर्ड मैं यूज करता हूं, क्या? आपदा, ठीक है जी। नेक्स्ट एर्थ, डेट इज कन्विक्ट। कन्विक्ट इन द सेंस वही दोषी, क्रिमिनल, अपराधी, कन्विक्ट होता है, कल्पित। आगे भाई डेफर, डेफर इन द सेंस बाद में, हम लोगों ने आपने एक ट्रांसलेशन सुना होगा डेफर पेमेंट, इन द सेंस बाद में पेमेंट। तो डेफर इन द सेंस बाद में कोई चीज होती हो, ठीक है, पोस्टपोन, डिले। नेक्स्ट एरोनेस इन द सेंस, अब देखो यहां पे एक वर्ड है एरर। एरर आपको पता होगा एरर से रिलेटेड है, इन द सेंस फॉल्स, गलत, ठीक है जी, इनवैलिड, रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट इन द सेंस एक्सक्लूड, एक्सक्लूड इन द सेंस उससे परे होना, ठीक है, उसके परे होना, इन द सेंस उससे अलग होना, एग्जेम्प्ट बोलते हैं उसे, ठीक है। एक्सक्लूड भी आपको पता होगा, एक्सक्लूडिंग समथिंग, हटाना किसी चीज को। नेक्स्ट फैटीग, अब फैटीग एक अच्छा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है। फैटीग का मतलब होता है थक जाना, थकावट, थकावट, टायर्डनेस और वियरनेस का मतलब होता है थकावट, लेजी पना। नेक्स्ट आपका फैन, अब फैन, इसको फैन पढ़ते हैं बाल को, फैन का मतलब प्रिटेंड, प्रिटेंड सेंस बहाना करना, जब आपको ये वो देते ना एक्सक्यूजेस, तो उसे बोलते हैं फैन। नेक्स्ट आपका फ्यूरी इन द सेंस एंगर, गुस्सा, कॉमन वर्ड है, अच्छा वर्ड है ये। नेक्स्ट हुडविंक, प्यारा वर्ड है बाल को, हुडविंक प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना, आंख में धूल झोंकना, इट्स कॉल्ड हुडविंक, ठीक है जी, डिसाइव, चीट और डिफ्रॉड। नेक्स्ट हर्डल, बाधाएं, परेशानियां, ऑब्स्टिकल, इन सब का सेम है, हर्डल्स लाइफ में आते हैं, ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आते हैं, तीनों का मतलब बाधा ही हुआ। नेक्स्ट मैग्निफिसेंट, शानदार, जानदार, मजेदार, स्प्लेंडिड, ग्रैंड, दोनों मतलब क्या, दोनों मतलब है शानदार, विख्यात, बड़ा। नेक्स्ट मैंडेटरी, कंपलसरी, भैया आपको भी मैंडेटरी पढ़ना, सीयूटी में क्रैक करना है तो कंपलसरी, क्लैट में क्रैक करना है तो, किसी भी टाइप के एग्जाम में क्रैक करना है तो मैंडेटरी है भैया पढ़ना। नेक्स्ट मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मैसिव मतलब काफी बड़ा, ह्यूज, इजी पीजी वर्ड्स है बाल को, इजी पीजी वर्ड्स। नेक्स्ट प्रोडिगल, खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट, दे रखे ना, हाँ, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या, जो बहुत ज्यादा खर्चा करता हो, प्रोडिगल मतलब खर्चीला होता है। नेक्स्ट रैलिश, एंजॉय, आनंद जिसे बोलते हैं, आनंद, आनंद वाली जिंदगी कौन कौन जी रहा है यहाँ पे, आनंद जैसे लिखते हो, ठीक है, आनंद कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, आनंद, ठीक है। तो रैलिश आगे, देखो इसको प्रोनाउंसिएशन कौन होगा, क्या पढ़ेंगे इसे, कौन पढ़ेंगे, कौन, सेंस कंडेम, कंडेम, डिस्पाइस, मॉकरी, इन सबका क्या मतलब, इन सबका मतलब मजाक उड़ाना,
ठीक, किसी पे निंदा करना, किसी की बुराई करना, सबका मतलब यही है। ठीक है जी, आगे। भाई विनिक्टिव मीन्स रिवेंज फॉर, बदला लेने की भावना, बदलापुर, बदला लेने की भावना, रिवेंजफुल, स्पाइटफुल, ठीक है जी, उसको बोलते हैं विंडिक्टिव। नेक्स्ट, वेंडर घुमक्कर, वेंडर जो घूम घूम के बोलते हैं, इसका पनिशमेंट रोम होता है, डेविएट होता है, इन सेंस घूमना, घूम घूम के जो है टाइम पास करना, या घुमक्कर इस टाइप में होता ना, आइसक्रीम वेंडर होते हैं, वेजिटेबल वेंडर होते हैं, वही घूमने वाले वेंडर्स। नेक्स्ट, एब्रोगेट मीन्स, अब एब्रोगेट का मतलब होता है एबॉलिश, किसी चीज की समाप्ति करना, खत्म करना, ठीक है, अंत, अंत करना किसी चीज का, इसको बोलते हैं एब्रोगेट। ठीक है जी, रिपिल मतलब ये होता है अंत करना, समाप्त करना। नेक्स्ट, ओके ये क्या हुआ, हाँ जी नेक्स्ट, एक्वेंट, एक्वेंट इन द सेंस परिचित, आपने सुना होगा एक्वेंटेस, एक्वेंट, तो एक्वेंट इन द सेंस परिचित, फैमिलाइज इन द सेंस वही फेमिलियर, किसी से ज्यादा परिचित होना। नेक्स्ट, एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है भैया इनफ, काफी ज्यादा, पर्याप्त मात्रा में, क्या बोलते हैं इसे, पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त, इसे बोलते हैं एडिक्वेट। नेक्स्ट, बाल को एम्पलीफायर, मैं तेरा एम्पलीफायर, तो एम्पलीफाई मीन्स बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज करना, बूस्ट करना, मैग्नीफाई करना, उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। ठीक है जी, नेक्स्ट भाई, इनिहिलेट मीन्स डिस्ट्रॉय, इनिहिलेट इन द सेंस खात्मा, खत्म करना, खात्मा, डिस्ट्रॉय, किसी का एंड कर देना, इसको इनिहिलेट। नेक्स्ट भाई, एनॉय, हम लोग कई बार एनॉइंग फील करते हैं, इन द सेंस ऑफेंड फील करना, इरिटेट फील करना, बुरा फील करना, बोलते हैं एनॉय। नेक्स्ट, एंटीपैथी इन द सेंस डिसलाइक करना, घृणा करना, घृणा करना, एंटीपैथी होता है ये। नेक्स्ट, अच्छा अब सिक्स सवाल आता है, मैंने एंटोनिम्स में सेम बताया था आप लोगों को, किसी की शक्ल बहुत गंदी हो तो उसे क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट करना। ठीक है जी, नेक्स्ट, आर्डोस इन द सेंस डिफिकल्ट, कोई चीज बहुत ज्यादा मुश्किल हो, कठिन हो, उसको बोलते हैं चीज। अब यहां पर इसका मतलब वही होता है, इसका मतलब भी होता है कठिन, कठोर, खराब। नेक्स्ट, आर्टफुल, आर्टफुल मतलब होता है चलाक, चलाक, कपटी, क्राफ्टी मतलब ही कपटी, चलाक, कपटी, आर्टफुल। नेक्स्ट, ऑटोक्रेसी इन द सेंस वॉयलेंस, बर्बरता, इन द सेंस सो कॉल्ड, तरीके से समझ लो कि तानाशाही होना या बहुत ज्यादा हिंसक होना, हिंसक वर्ड याद आ गया मुझे, हिंसक, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी, आर्टोसिटी, क्या बोलते हैं इसे, आर्टोसिटी, याद रखना। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट, क्वालिटी, योग्यताएं, क्या बोलते हैं इसे, योग्यताएं, एट्रीब्यूशंस, एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, ऑगस्ट, ऑगस्ट इन द सेंस बहुत ज्यादा भव्य, मैजेस्टी, डिग्निफाई, भव्य, जो ऑगस्ट का महीना है उससे भी यही दिखाते हैं, ऑगस्ट इन द सेंस बहुत ज्यादा भव्य चीज। नेक्स्ट, बैफल इन द सेंस पजल, कंफ्यूज्ड, भूल भुलैया जिसे बोलते हैं, भूल भुलैया, ये कार्तिक आर्यन में भूलभुलैया नहीं है, नेक्स्ट ये अक्षय कुमार वाली है। बैशफुल, अब इसका मतलब होता है संकोची, संकोची मतलब जो बहुत ज्यादा संकोच करता हो, बहुत ज्यादा जो है शाय फील करता हो। ठीक है, नेक्स्ट, बिगिन इन द सेंस डिसीव, अब डिसीव मतलब क्या होता है बाल को, इसका मतलब होता है मोहना, कौन सा मोहना, इन्हें से किसी को अट्रैक्ट करना अपने में, ठीक है, किसी को ठगना, किसी को मोहना, किसी को अट्रैक्ट करना, तो उसको बोलते हैं बिगिन। ठीक है जी, नेक्स्ट, बेलिजरेंट मीन्स हॉस्टाइल, अब हॉस्टाइल हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, एंटोगोनिस्ट, अब बेलिग्रेंट का मतलब क्या होता है देवी, सोचो बेलिग्रेंट, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अभी हमने एक वर्ड भी पढ़ा था क्वेलसम, इन द सेंस लड़ाकू, हॉस्टाइल मतलब लड़ाकू, तो इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है लड़ाकू, बेलिग्रेंट मतलब भी होता है लड़ाकू। नेक्स्ट, आखिरी के 10 और बाल को, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर इन द सेंस चोट, आपने सुना होगा एक जेल भी आता है ब्लिस्टर का, छाला जिसे कहते हैं, तो छाला। नेक्स्ट, ब्रिस्क, क्विक, बहुत जल्दी। नेक्स्ट, कैरूज, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैरूज होती है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा जो खाने पाने का आनंद लेता हो, खान पान का आनंद लेना, कैरूज होता है, खान पान का आनंद लेना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, कैरूज, ठीक है, आनंद। नेक्स्ट, नेक्स्ट, केओस, अब आपने बहुत सुना होगा ये वर्ड, केओस इन द सेंस अराजकता, अराजकता इन द सेंस मिसअप हो जाना, डिसऑर्डर हो जाना, इन द सेंस लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाना, बोलते हैं केओस। नेक्स्ट, कोगेंट इन द सेंस अफेक्टिव या कन्विंसिंग, किसी को जो है अपनी बातों में मना लेना, इसको कोगेंट, अपनी बातों में मनाने वाला। नेक्स्ट, कोमोशन, अब कोमोशन इन द सेंस जो चीज बहुत ज्यादा चिंतित हो, डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, या मन को ना भाई, उसे बोलते हैं कोमोशन। जी हाँ, कोमोशन,
इसके अलावा हम एक और चीज बोल सकते हैं, लाइक बहुत ज्यादा जो है वही हल्ला गुल्ला करना. नेक्स्ट, कंसिटेड, प्राउड फील करना, घमंड फील करना, स्मग फील करना, एक फीलिंग होती है कंसिटेड. नेक्स्ट, कॉन्ग्रीगेशन इन द सेंस असेंबली, एक होना, मंडली जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन. ठीक है जी. लास्ट दो बाल को आपका कॉन्स्टिनेशन मीन्स आतंक, डिसमे, आतंक फैलाना. ठीक है, क्वेश्चन भी वही था, झगड़ा लो, आपको पता होगा, बार बार चीज बता रहा हूँ आपका. नेक्स्ट, कंटीमेट इन द सेंस पोल्यूट करना, जब हम वाटर में कुछ चीज में आते हैं या हवा में मिल जाते हैं उसे बोलते हैं पोल्यूट. दैट्स इट बाल को, दैट्स इट. हाँ जी, यही था. अब आगे कुछ बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों के इस एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है. देखते हैं क्या है वो बातें. बाल को ये आ चुका है आप लोगों के सामने एज क्लोजर टू एचिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन. आप किसी भी टाइप का एग्जाम कर रहे हो, किसी भी टाइप का, ठीक है, आप जो है हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वो भी 20% ऑफ पे. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 20% ऑफ. और आपको कोड क्या लगाना, आपको कोड लगाना है RD100. लेकिन हाँ, ये सिर्फ 13 मई तक वैलिड है. तो जाओ भैया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किसी भी टाइप का एग्जाम हो आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो. इसके अलावा आप लोगों को पता है भी हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पेपर में जाने से पहले पेपर को पढ़ाने की हम तैयारी कर रहे हैं. वो क्या, वो है आपका मॉक टेस्ट. आप जाइए, वो भी प्रिंटेड मॉक टेस्ट लीजिए, ठीक है, सब्सक्रिप्शन में, और आपके जो है डोरस्टेप पे आएगा ये मॉक टेस्ट. ठीक है, आपके सामने देखा सब कुछ, ये आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वही RD100 लगाना है. इसके अलावा आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी चल रहा है, इसकी डेट ये है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आप इसमें कुछ फ्री है, कुछ पेड है, जैसे भी हो सब कुछ ले लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिखा है. एनरोल जब करने बैठेंगे तो यहाँ भी कोड लगाइएगा, रेट 100 में 100, RD100. ठीक है जी, और हमारे बेहतरीन बेहतरीन टीचर आपको पढ़ाए रहे हैं, द वॉरियर बैच, द, और ये भी नया बैच आया है भाई साहब, DULLB का, PG लॉ का, DULLB का, 27 अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुआ है. इस कोर्स को भी जो सकते हो, जिसमें कौन कौन है हमारे, कीर्ति मैम, अग्नि मित्रा मैम और रघुवेंद्रा प्रताप सिंह. वाओ, कितना महंगा नाम है यार ये. ठीक है जी, तो बाल को इन सभी टीचर्स को जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, और हम तो आपको पढ़ाए रहे हैं. और थैंक यू सो मच, अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय.